2019 के चुनाव में बीजेपी की हार पर यशवंत सिन्हा की बड़ी भविष्यवाणी। क्या 2019 में बीजेपी पर भारी पड़ेगी उत्तर प्रदेश की हार? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम दलों ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 2019 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी दल जहां एक ओर एकजुट होने की कवायद में जुटे हैं, तो वहीं आगामी चुनाव में हार जीत का आकलन भी शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और हार को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। एक अखबार से बातचीत के दौरान बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार मिलती है तो फिर वो पूरे देश में हार सकती है। बीजेपी और केंद्र सरकार, खासतौर पर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए सिन्हा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। बीजेपी और उसके नेताओं ने हार का मुंह देखा है, जो कि पहले समझते थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। बकौल सिन्हा, इन चुनावों के बाद वातावरण में परिवर्तन हुआ है। अब विपक्षी दलों पर निर्भर करता है कि वो उसे आगे कैसे ले जाते हैं। विपक्षी दलों का आगे एक दूसरे को लेकर आचरण कैसा होगा, बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा। सबसे अहम तो यूपी के विपक्षी दलों की एकजुटता होगी। मोदी सरकार को आंकड़ेबाजी में माहिर बताते हुए सिन्हा ने कहा कि वो यकीन करते हैं कि केंद्र की ओर से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यशवंत सिन्हा के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के पीछे किसानों की अनदेखी और नोटबंदी समेत कई और बड़ी वजह हैं। इसके अलावा बीजेपी के शीर्ष नेताओं की भाषणबाजी और बढ़ती बेरोजगारी ने भी पार्टी की हार में अहम भूमिका निभाई है। चुनाव प्रचार के दौरान हनुमान की जाति बताने को तो उन्होंने नादानी की इंतहा करार दिया। अब देखना यह है कि यशवंत सिन्हा की ये भविष्यवाणियां 2019 के चुनावों में किस तरह सामने परिलक्षित होती हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।